हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आज का टॉपिक है यूनिट थर्ड के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर यूनिट थर्ड का जो आज अपना टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आपने फर्स्ट ईयर में भी स्टडी किया है तो आज उसका रिवीजन भी हो जाएगा और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंटेशन जो है इसमें जो अपन स्टडी करेंगे वो रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स की स्टडी करेंगे। रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आज के अपने टॉपिक के अंदर। तो फर्स्ट जो है अपन रिकॉर्ड्स जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। रिकॉर्ड्स जो है क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्यों ज़रूरी है, रिकॉर्ड्स के पीछे पर्पज़ क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, रिकॉर्ड लिखते समय क्या क्या ध्यान रखना है, वैल्यूज़ जो है वो क्या है, टाइप्स रिकॉर्ड्स के क्या है और किस तरह से जो है रिकॉर्ड्स को अपने को मेंटेन करना चाहिए, तो रिकॉर्ड्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन रिकॉर्ड्स जो है, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स दो है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, उसमें फर्स्ट जो अपन स्टडी कर रहे हैं वो है रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन जो पार्ट है रिकॉर्ड्स का, रिकॉर्ड्स जो है, रिकॉर्ड्स आर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिटर्न नोट्स यूज टू कलेक्ट एंड क्लासीफाई इंफॉर्मेशन। यानी रिकॉर्ड्स क्या, अपन कोई भी काम करते हैं तो उसको क्या करते हैं, लिखते हैं, कहीं भी मेंटेन करते हैं ताकि फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें। दीज आर हेल्पफुल इन एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेटिव एंड रिसर्च पर्पजेज। तो जो भी अपन कलेक्शन करते हैं किसी भी काम का, कोई भी जैसे नर्सिंग केयर की तो उसको रिकॉर्ड किया, कोई भी प्रोसीजर किया उसको रिकॉर्ड किया, इनपुट आउटपुट चार्टिंग मेंटेन की रिकॉर्ड किया, तो इसी तरह से जो भी चीज़ें अपन रिकॉर्ड करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, जो भी अपना फंक्शन है, कोई भी चीज़ अपन रिकॉर्ड करते हैं तो वो जो है हेल्पफुल रहती है एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेटिव एंड रिसर्च पर्पजेज में। अ रिकॉर्ड वेयर एवर कैप्ट मे सर्व इट्स पर्पज स्पेसिफिकली। रिकॉर्ड्स में भी टेम्प्रेरी इन नेचर और परमानेंट। यानी रिकॉर्ड्स जो है टेम्प्रेरी भी होते हैं, यानी कुछ समय के लिए अपन ने मेंटेन किया और उसके बाद जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, यूज़ नहीं आता। और कुछ परमानेंट रिकॉर्ड्स रहते हैं जिनको कि अपने को हमेशा के लिए मेंटेन रखना पड़ता है कि फ्यूचर में कभी भी अगर ज़रूरत पड़े किसी भी को, अपना खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को या किस पुलिस इंक्वायरी में या CMHO जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स की, भाई कितने निमोनिया के कितने पेशेंट आए 2011 में, इस तरह से जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं अलग अलग टाइप के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, डिजीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन से रिलेटेड, कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड रिकॉर्ड हो सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के से एम्प्लॉयज़ जितने लोग काम करते हैं उनके अलग अलग रिकॉर्ड्स। तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स आर मेंटेन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय नर्सिंग पर्सनल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट। इट फॉर्म्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर प्लानिंग एंड इवैल्यूएटिंग पेशेंट्स केयर। तो ये था इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड्स का। अब नाउ आई मूव ऑन द पर्पजेज ऑफ रिकॉर्ड्स की, व्हाट आर द पर्पजेज ऑफ रिकॉर्ड्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन की, क्यों हमें रिकॉर्ड्स रखना चाहिए। तो ये है रिकॉर्ड्स प्रोवाइड्स स्टाफ मेंबर, एडमिनिस्ट्रेटर और एनी अदर मेंबर्स एंड नॉट ओनली मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम विथ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सर्विस दैट हैव बीन रेंडर्ड एंड सप्लाइड डेटा दैट आर एसेंशियल फॉर प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। यानि जितने भी ये रिकॉर्ड्स हैं वो किसी भी व्यक्ति को काम आ सकते, स्टाफ मेंबर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई भी अदर मेंबर हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओनली हेल्थ टीम का जो मेंबर है उसी के लिए यूज़फुल है, ये अदर सर्विसेज में भी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यूज़फुल है। सेकेंड है टू प्रोवाइड द
प्रैक्टिशनर विथ डेटा रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिलीज हेल्थ. यानि टू प्रोवाइड द प्रैक्टिशनर विथ डेटा रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिलीज हेल्थ. नेक्स्ट है, रिकॉर्ड आर टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ वर्कर्स द फैमिली एंड अदर डेवलपमेंट पर्सनल. यानी जो रिकॉर्ड्स है एक तरह से कम्युनिकेशन का काम भी करते हैं. जब भी कोई इन्फॉर्मेशन अपने को लेनी हो तो वहाँ पे जो है रिकॉर्ड्स जो है उसको काफ़ी यूजफुल रहते हैं. इफेक्टिव हेल्थ रिकॉर्ड्स शो द हेल्थ प्रॉब्लम इन द फैमिली एंड अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट हेल्थ. जो हेल्थ रिकॉर्ड्स अपन मेंटेन करते हैं पेशेंट के बारे में जितनी भी जानकारी है इन्फॉर्मेशन अपन गेन करके रखते हैं वो फ्यूचर में जो है हेल्पफुल रहती है. उसको केयर देने में, फैमिली को सपोर्ट करने में हेल्पफुल रहती है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज़ है रिकॉर्ड्स का. इसके अलावा जो नेक्स्ट पर्पज़ है, रिकॉर्ड इंडिकेट्स प्लान फॉर फ्यूचर. यानी फ्यूचर में अपन क्या कर सकते हैं रिकॉर्ड्स के बेस पे इवैल्यूएशन करके जो चेंजेस करना हो फ्यूचर में वो अपन कर सकते हैं. नाउ आई मूव ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉर्ड राइटिंग. नर्सेज शुड डेवलप देयर ओन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन एंड फॉर्म इन रिकॉर्ड राइटिंग. सेकेंड, रिकॉर्ड शुड बी रिटन क्लियरली, एप्रोप्रिएटली एंड लेजिबली. थर्ड, रिकॉर्ड शुड कंटेन फैक्ट्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, कन्वर्सेशन एंड एक्शन. यानी रिकॉर्ड्स किस पे बेस्ड होने चाहिए? हमेशा जो फैक्ट पे बेस होना चाहिए. ऐसे नहीं किसी ने कुछ बोला और आपने लिख दिया. ऑब्जर्वेशन प्रॉपर होना चाहिए, कन्वर्सेशन प्रॉपर होना चाहिए एंड एक्शन, उसके बाद ही रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए. सेलेक्ट रेलिवेंट फैक्ट्स एंड द रिकॉर्डिंग शुड बी नीट, कंप्लीट एंड यूनिफॉर्म. तो रिकॉर्ड्स कैसे होने चाहिए? नीट एंड क्लियर होने चाहिए, सबको समझ में आ सके. ऐसे कंप्लीट होने चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए. रिकॉर्ड्स आर वैल्यूएबल लीगल डॉक्यूमेंट्स. जितने भी रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं वो सारे क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं. तो उनको हैंडल्ड केयरफुली करना चाहिए, यानी उनको प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, ढंग से रखना चाहिए. नेक्स्ट है, रिकॉर्ड शुड प्रोवाइड फॉर पीरियडिक समरी टू डिटरमाइन प्रोग्रेस एंड टू मेक फ्यूचर प्लान्स. रिकॉर्ड्स आर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स. और रिकॉर्ड क्या है? कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, तो उनको कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए विदाउट परमिशन. तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉर्ड्स. नाउ आई मूव ऑन वैल्यूज. देर आर फ्यू वैल्यूज एंड यूजेज ऑफ रिकॉर्ड. तो जो वैल्यूज है रिकॉर्ड्स का वो है, रिकॉर्ड्स प्रोवाइड बेसिक फैक्ट्स फॉर सर्विसेज. नेक्स्ट है, रिकॉर्ड्स प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एनालाइजिंग नीड्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैज़ बीन डन, व्हाट इज बीइंग डन, व्हाट इज टू बी डन एंड द गोल्स टूवर्ड्स विच मीन्स आर टू बी डायरेक्टेड. नेक्स्ट है, प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज एंड हेल्पफुल ऑफ सर्विसेज इफेक्टिवली. सर्व एज ए गाइड टू प्रोफेशनल ग्रोथ, एनेबल द नर्स टू जज द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ वर्क डन, रिकॉर्ड्स इंडिकेट प्रोग्रेसेस. तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं इससे अपने को पता चलता है कि किस क्या क्या यूजेज है रिकॉर्ड्स के एंड क्या वैल्यूज है रिकॉर्ड्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड हॉस्पिटल के अंदर. तो ऑल दीज आर द वैल्यूज ऑफ रिकॉर्ड्स. नाउ आई मूव ऑन टाइप्स. टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स. दीज आर फाउंड टू बी टाइम सेविंग, इकोनॉमिकल एंड ऑल्सो हेल्पफुल टू रिव्यू द टोटल हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ ए लॉन्ग पीरियड. सेकेंड है, फैमिली रिकॉर्ड. द बेसिक यूनिट ऑफ सर्विस इज द फैमिली. ऑल रिकॉर्ड्स विच रिलेट टू मेम्बर्स ऑफ फैमिली शुड बी प्लेस्ड इन अ सिंगल फैमिली फोल्डर. अदर टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स में मेडिकल रिकॉर्ड्स, जैसे एडमिशन सीट है, केस रिकॉर्ड है, कंसेंट फॉर्म्स है. एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर अपन बात करें तो अटेंडेंस रजिस्टर है, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स है, लीव रिकॉर्ड्स है. तो एडमिनिस्ट्रेशन और वार्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे. मिनट्स ऑफ द स्टाफ मीटिंग्स है. दीज आर द एग्जाम्पल्स है इनके. नेक्स्ट है नर्सिंग रिकॉर्ड, टेम्परेचर चार्ट, वाइटल साइन सीट,
नर्सेज नोट्स, इनटेक आउटपुट चार्ट्स, ये सब क्या है, ये सब जो है नर्सिंग रिकॉर्ड्स हैं। तो ये जो थे ये टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स थे, अलग अलग रिकॉर्ड्स के टाइप। नाउ कम्स ऑन रिपोर्ट्स, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट्स कन्वे द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इट कैन बी वर्बल और रिटन अबाउट एनी पर्सन और इंसिडेंट्स। जनरली रिपोर्ट शुड बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कैन बी केप्ट एज ए परमानेंट रिकॉर्ड। तो रिपोर्ट्स जो है रिटन और वर्बल दोनों में हो सकती है। रिकॉर्ड जो है ओनली रिटन में होते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स जो है वर्बल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। टाइप्स की अगर अपन बात करें तो इंसिडेंट रिपोर्ट, शिफ्ट रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट, पेशेंट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट। अगर अपन टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की बात करें तो वेरियस रिपोर्ट्स इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन आर, फर्स्ट है इंसिडेंट रिपोर्ट, कोई भी घटना घटित हुई है तो उसकी रिपोर्ट। शिफ्ट रिपोर्ट जैसे नाइट शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है, तो शिफ्ट रिपोर्ट होती है। असेसमेंट रिपोर्ट पेशेंट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट की, भाई सुबह कंडीशन कैसी थी, शाम को कैसी है, डे बाय डे रिपोर्ट भी अपन प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बना सकते हैं। एब्सकॉन्ड रिपोर्ट एडमिशन एंड डिस्चार्ज रिपोर्ट, कितने पेशेंट एडमिशन हुए हैं, कितने डिस्चार्ज हुए हैं। डेथ रिपोर्ट, किसी का डेथ हो गई तो उसका जो रिपोर्ट बनती है उसको बोलते हैं मेडिकल रिकॉल केस रिपोर्ट। ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। पर्पजेज ऑफ राइटिंग रिपोर्ट्स, तो फर्स्ट पर्पज है टू शो द काइंड एंड क्वांटिटी ऑफ सर्विस रेंडर्ड ओवर टू ए स्पेसिफिक पीरियड। दूसरा पर्पज है टू शो द प्रोग्रेस इन रीचिंग गोल्स। तीसरा पर्पज है एज एन एड इन स्टडिंग हेल्थ कंडीशंस। और फोर्थ है एज एन एड इन प्लानिंग। तो दीज आर द पर्पजेज ऑफ राइटिंग रिपोर्ट्स। अब अपन बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स जो है उसको मेंटेन करने के क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट है गाइड्स साउंड डिसीजन मेकिंग, एंड इसमें डिसीजन मेकिंग में ये हेल्पफुल है। एक्ट्स एज इफेक्टिव चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने में ये यूजफुल है, इसलिए कम्युनिकेशन में यूजफुल है। सर्च एज ए टूल फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इससे पता चलता है रिकॉर्ड से कि भी किसने किस तरह से क्या काम किया, एम्प्लॉयज़ के बारे परफॉर्मेंस को अपन इवैल्यूएट कर सकते हैं। प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी को अपन जो है बढ़ा सकते हैं और कौन किस तरह से काम कर रहा है वो पता कर सकते हैं। सर्व्स एज लीगल डॉक्यूमेंट, जितने भी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स रहते हैं वो एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह अपन यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़े तो। प्रोवाइड्स डेटा फॉर रिसर्च एंड वाइटल स्टेटिस्टिक्स, अगर किसी भी टॉपिक पे, किसी भी डिजीज़ पे की रिसर्च करनी हो तो ये जो रिकॉर्ड्स है वो बहुत ही हेल्पफुल है एंड वाइटल स्टेटिस्टिक्स मेंटेन करने में ये रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे आर वेरी यूजफुल इन प्रोवाइड्स डेटा फॉर रिसर्च एंड वाइटल स्टेटिस्टिक्स। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। तो ये यहाँ पे अपना जो टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन का ख़त्म होता है। ये फर्स्ट ईयर में भी आपने स्टडी किया था और अभी इसी के साथ जो है मैं अपनी क्लास आज की डॉक्यूमेंटेशन की यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।